नमस्कार दोस्तों टुडे वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोपी इंट्रोपी एक नया पैरामीटर है जिसको हम लेटर एस से डिनोट करते हैं और ये उसी तरह का थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है जैसे हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी की बात करते थे तो जो इंट्रोपी है बेसिकली इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव मेजर क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम यदि मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो हाँ, वो के है वो कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस और इसमें कुछ रैंडमनेस होगी डिसऑर्डर होगा यदि इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए इफ इट्स वॉल्यूम इज इनक्रीज तो डेफिनेट है कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे डिसऑर्डरनेस रेंडमनेस जो है वो और बढ़ जाएगी तो वो जो रेंडमनेस है रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो डिसऑर्डर है उसको क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और थर्मोडाइनमिक वेरिएबल या पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इन कहते हैं और एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट uh, तरह का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो सेल्सियस नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है हाँ वो इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोनाइमिक्स जो इंट्रॉपी है एस इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होती है इन एडियाबैटिक प्रोसेस यदि हमारे पास कंप्रेशन या एक्सपेंशन है तो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो एस है इन की वैल्यू है वो कॉन्सेंट रहती है ये जो इन है एस बेसिकली डिपेंड्स पॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम कोई भी सिस्टम है उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है इट डज नॉट डिपेंड्स इट्स प्रीवियस हिस्ट्री कि पहले कैसे था कैसे प्रोसेस इवॉल्व हुआ उसके ऊपर जो है वो डिपेंड uh, नहीं करता जो है इट गिव्स द डायरेक्शन इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस जो भी कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है वो कैसे मूव करेगा कैसे प्रोसीड करेगा कैसे इवॉल्व करेगा उसकी जो डायरेक्शन है उसको ये बताता है थर्मोडाइनमिक इंट्रॉपी uh, जो है इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एस इट इज एक टेम्परेचर डी क्यू इट इज द हीट सप्लाई टू सिस्टम और इसकी जो रेशो है इसको हम इंट्रॉपी uh, जो है वो कहते हैं यदि हम डी क्यू की कोई वैल्यू है यदि हम देखें कि डी क्यू इट इज पॉजिटिव यदि आप हीट जो है वो सिस्टम को दे रहे हैं इसका मतलब सिस्टम जो है हाँ वो हीट ले रहा है हीट गेन बाय द सिस्टम गेन बाय सिस्टम सिस्टम जो है हाँ वो हीट को ले रहा है इस केस में जो डीएस की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी या इंट्रॉपी या रेंडमनेस जो है हाँ वो इंक्रीज करेगी यदि जो डी क्यू है इफ इट इज नेगेटिव नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो सिस्टम है वो हीट लूज कर रहा है हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम लॉस्ट बाय द सिस्टम सिस्टम जो है हाँ वो हीट को लूज कर रहा है तो उस केस में डीएस की वैल्यू जो है हाँ वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि जो इंट्रॉपी है वो डिक्रीज होगी जनरली जो इंट्रॉपी है इट इज मेजर्ड इन यूनिट पर में जो है हाँ वो इसको मेजर करते तो कुल मिलाकर जैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी थर्मोडाइनिक वेरिएबल्स हैं उसी तरह के वेरिएबल जो है हाँ वो सेल्सियस ने इंट्रोड्यूस किया जो किसी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को जो है हाँ वो एक्सप्लेन करता है उसी को हम जो हाँ वो है वो इंट्रॉपी कहते हैं विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोपी चेंज या चेंज इन इंट्रॉपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस मान लीजिए हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस लाइक जो कार्नोट इंजन साइकिल होता है कि एक प्रोसेस है जो ए से बी की तरफ जाता है और ए से बी जो है इट इज बेसिकली आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है फिर बी से सी में जाता है इट इज एडियाबैटिक इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और फिर सी से डी में आता है इट इज अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर डी से ए में जाता है इट इज अगेन द एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन और ये सिस्टम या ये थर्मोडाइनिक प्रोसेस फिर दोबारा से घूम करके पॉइंट ए पे आ जाता है तो इस तरह का प्रोसेस जो रिट्रेस करता है पाथ को दोबारा से वहीं पे आ जाता है उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं जैसा मैंने पहले कहा कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस चाहे एक्सपेंशन है चाहे कंप्रेशन है जैसे यहां पे बी से सी में हो रहा है और फिर डी से ए में हो रहा है तो इन दोनों केसेस में इंट्रॉपी में कोई चेंज नहीं हुआ तो चेंज इन इंट्रॉपी विल बी जीरो ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस अब एडियाबैटिक प्रोसेस फिर कहां होगा ए से बी जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो जो ए से बी प्रोसेस जा रहा है विच इज आइसोथर्मल विच इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब आइसोथर्मल होता है तो उस केस में जो गेन हीट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है सिस्टम इसका मतलब जो इंट्रॉपी है वो बढ़ेगी एक्सपेंशन होगी तो रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो गेन इन इंट्रॉपी इंट्रॉपी में कितना गेन हुआ इसको इसके फॉर्मूले से लिख सकते हैं Q1 वन अपन T1 यदि हम मान लें कि हाँ तो कितना हुआ it is upon T1. और उसी तरह से जब प्रोसेस C से से जब C C D D में जाएगा, C से D में जाएगा आएगा then it is आईसो थर्मल, आईसो थर्मल है ये और जब आइसोथर्मल होगा तो हीट का लॉस होगा इसलिए लॉस ऑफ हीट या हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम वो क्या हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस लिखेंगे इट इज क्यू टू अपॉन टी टू मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाँ वो टी टू है तो इसलिए जो टोटल चेंज हुआ टोटल चेंज, टोटल चेंज चेंज इन इंट्रॉपी में जो टोटल चेंज हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज चेंज ओवर द साइकिल दिस इज डी क्यू अपॉन टी ये फॉर्मूला है इंट्रॉपी का ये हो जाएगा इट इज क्यू वन अपॉन टी वन माइनस

q1 जो है इट इज इक्वल टू t2 टू अपॉन टी के बराबर है या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दें इसको इस तरफ इसको इस तरफ तो यहां से हमारे पास ये आता है कि q1 वन अपॉन टी वन इट इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन टी तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट put करें पुटिंग इन इक्वेशन वन तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन इट इज डी क्यू अपॉन टी और यहां पे इट इज क्यू वन अपॉन टी वन क्योंकि इक्वल है तो ये सेम हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू जीरो तो बेसिकली जो इंट्रॉपी है डी एस इट इज इक्वल टू डी बाय टी इसकी वैल्यू जीरो आ गई या हम लिख सकते हैं कि डी एस जीरो आ गया या हम लिख सकते हैं कि जो इंट्रॉपी है वो कांस्टेंट है तो एक हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि हमारे पास यदि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रॉपी जो है वो सेम रहती है कांस्टेंट रहती है या चेंज इन इंट्रॉपी जो है वो जीरो होता है अब इसी कॉन्सेप्ट को इंट्रॉपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है मान लो सिस्टम किसी समय एक स्टेट में है जहां पे प्रेशर पी वन है वॉल्यूम बी है और टेम्परेचर टी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और ये चला गया पी टू और Constant, it is irreversible. Irreversible, uh, हम मान लेते हैं कि irreversible, आईसो थर्मल, आईसो थर्मल है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस, है, तो प्रोसेस में जब टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो वो zero होता है वो तो जीरो जो फर्स्ट लाफ थर्मोडाइनमिक्स है डीक्यू इट इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यू इट इज इक्वल टू पी अब यदि हम चेंज इन इंट्रॉपी निकालना चाहें चेंज इन इंट्रॉपी तो जो चेंज इन इंट्रॉपी है उसको dS से लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर जो डी क्यू है क्योंकि वो पीडीबी के बराबर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पीडीबी अपॉन यदि हम टोटल निकालना चाहें कि सिस्टम पहले वॉल्यूम बी वन था बाद में जो है हाँ वो उसका वॉल्यूम बी टू हो गया तो इसमें टोटल जो है हाँ वो कितना चेंज हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट कैन डेल्टा एस टोटल जितना चेंज हुआ एस आई टू एस एफ इनिशियल इंट्रॉपी से फाइनल इंट्रॉपी डी एस इट इज इक्वल टू फ्रॉम बी वन टू बी टू और यहां पे आ गया पी डी वी अपॉन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इक्वेशन रहती है आइडल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो इक्वेशन है हम ये लिखते हैं पी वी इट इज इक्वल टू आर टी यहाँ से पी निकाला जाए तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन बी तो इस वैल्यू को यदि हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा बी वन टू बी टू पी की वैल्यू आ गई आर टी अपॉन बी और यहां पे होगा डी वी अपॉन टी तो ये टी इसके साथ कैंसिल और यहाँ से आर बाहर आ जाएगा बी वन टू बी टू इट इज डी अपॉन बी और इसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो ये आएगा लॉक और इट इज बी टू अपॉन बी वन तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है चेंज इन इन के लिए वो हो गया आर log ऑफ बी टू अपॉन बी वन ई एक्सप्रेशन क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिस्टम जो हाँ थर्मल है वो आइसोथर्मल की जो वैल्यू है वॉल्यूम जो है हाँ वो इंक्रीज कर रहा है बी वन से ज्यादा जब ये बी टू जो है वो बी वन से ज्यादा होगा तो जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी इट इज ग्रेटर देन जीरो हमारे पास यदि कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है ग्रेटर देन जीरो होती है या इंक्रीज होती है तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो इंट्रॉपी है वो एक पैरामीटर है जो किसी सिस्टम के रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस को जो है हाँ वो बताता है और यदि आप एक रिवर्सिबल साइकिल लेते हैं तो रिवर्सिबल साइकिल क्योंकि घूम करके फिर दोबारा से उसी स्टेट पे आ जाता है तो रिवर्सिबल साइकिल में चेंज इन इंट्रॉपी जीरो होता है या इन कांस्टेंट रहती है और वहीं यदि हम इ बात सिस्टम की बात करें तो इरिवर्सिबल सिस्टम में जो इंट्रॉपी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है थैंक यू